वही तो मैं सोचती हूँ कि हमारा नाम कोमल किसने रख दिया। हमारा नाम तो रौनक होना चाहिए था, रौनक। आप मैडम ये बताओ कि आप घर कब आ रहे हो? लक्ष्मी कोई बात हुई है क्या? खेड़ा जब जंगल में शेर ना होना तो मौका देख के कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। ये तो तेरी भाषा ना है। सच सच बता, बात क्या है? कुछ छुपा रही है हमारे से? हाँ तो आप भी नहीं बता रहे ना कि आप वापस कब आओगे। अरे ये भी कोई बात हुई? प्लान करता हूँ कुछ, तू बात तो बता। आपको प्लान करने की क्या जरूरत है? आपका घर है, आप बस आ जाओ, उसमें प्लान करने की बात हो गई। कैसी बातें कर रही है लक्ष्मी? मैं कोई बसने गया हूँ वहाँ, बहू को साथ लाना है, कोमल की काउंसलर से बात करनी है, और दिल्ली आया हूँ, एक दो अपने काम भी तो निपटाऊंगा। सरोजनी अपने मायके में है, वो खुद अपने हिसाब से तय कर सकती है कि उसे वहाँ कितने दिन रुकना है। और रही बात कोमल की, तो कोमल को इस वक्त यहाँ लाना ठीक ना होगा। उसकी सेहत और उसकी सुरक्षा दोनों को ही बहुत खतरा है। आपका वहां रुकना जरूरी ना है, आप यहाँ आ जाओ। तेरी सारी बातों से मैं सहमत हूँ लक्ष्मी, हर चीज में टेम लगता है। अब सब कुछ इतनी जल्दी तो नहीं होगा ना, तू जरूर मारे से कुछ छुपा रही लक्ष्मी, बताना हुआ क्या है? मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आपके वहां रहने से देखिए कोई फर्क न पड़ने वाला। कोमल का ध्यान रखने के लिए सरोजनी है, सरोजनी के परिवार वाले हैं, पर यहां आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। आपकी पत्नी की, आपके बेटे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। बस लक्ष्मी, समझ में नहीं आ रहा है बात क्या है। कुछ तो जरूर हुआ है, वरना लक्ष्मी ने आज तक ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं की। कहीं विजय ने फिर से तो कुछ नहीं कर दिया? जो भी हो इसे बताना तो चाहिए था ना। अब मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना ही होगा। मारी माँ पे हाथ उठा, हाँ मारी माँ पे हाथ उठाओगे आप? पत्नी, आपको क्या लगता है आप मारी माँ पे हाथ उठाने की कोशिश करोगे और मैं खड़ा खड़ा देखता रह जाऊंगा? चोट से मार दूंगा तेरे मैं। हाँ तो मत तो। सुनिए जी, आप क्या कर रहे हैं? शांता क्या हुआ? कुछ ना जिठानी जी, क्या सोच रही है शांता? दूध कब से उबल रहा है? मैंने बंद कर दिया है, कोई हादसा हो जाता की करूं जिठानी जी, रमन काबू में ही नहीं रहता, बार बार कुमार के पास ही चला जाता है। देख शांता, तारी सेहत ठीक ना है,
तू आराम कर, चल। ना जिटानी जी, अब मुझे कहीं आराम ना मिलेगा। मेरे नसीब में सिर्फ दुख ही दुख लिखा है, बेटी का दुख जो हमें छोड़ के चली गई, पति का दुख जो हमें चैन से जीने नहीं देता। आज मुझे कुमार की सारी बातें याद आ रही। उसने मुझे कई बार समझाया कि माँ तेरा जो बापू पर यकीन है ना वो झूठा है, बापू पर तेरा विश्वास एक दिन अंधविश्वास साबित होगा। उनका दिल पत्थर का है, पत्थर का। वो परिवार में किसी को नहीं चाहते, किसी की इज्जत नहीं करते। जब उनको अपना काम करना होता है तो बस प्यार भरी बातें करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं, और जैसे ही काम हो जाता है तो गिरगिट की तरह रंग बदलकर सांप की तरह डसने लगते हैं। मैं ही पागल थी जो कोमल की बात को हमेशा झुठलाती रही और अपने पति का पक्ष लेकर उसको देवता की तरह पूजती रही। उनके हर अन्याय को सामने, यहां तक कि मेरी बेटी, मेरे जीवन भर की कमाई, वो भी मुझसे लुट गई। और उसका लुटेरा कोई और ना है, मेरा पति है, मेरा पति। मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी, मेरा विश्वास गलत था। हाँ जेठानी जी, मैंने अपने पति को विश्वास पात्र समझा, पर वो तो विष का पात्र निकली। शांता, विजय चौटाला जैसा इंसान हर घर में पाया जाता है। औरतों पे जुर्म की कहानी तो जैसे घर घर की होती जा रही है, और इस घटना को घरेलू हिंसा कह रहे हैं, जहां थारी जैसी कमजोर औरतें इसका शिकार होती हैं, और विजय चौटाला जैसा पति बहुत बड़ा ड्रामेबाज हो गए है, जो पहले तो मार पिटाई करता है, गाली गलौज करता है, और उसके बाद समाज और कानून के डर से माफी मांगने का झूठा नाटक करता है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही करते और के करेंगे। जब इनकी पत्नियां इन्हें माफ कर देती हैं, तो यही घटनाएं कुछ दिनों के बाद फिर शुरू हो जाती और के करे चुपचाप इस अपराध की भागीदारी बढ़ती है। जानने के बाद भी जुर्म सहने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है, फिर भी। आपकी बात बिल्कुल सही है जेठानी जी, लेकिन जिस पत्नी ने अपने पति को अपना सारा जीवन सौंप दिया हो, वो उसके खिलाफ विद्रोह करके घर भी कह सकती है। क्या कर सकती है? अरे उसे सुधार सकती है, सही रास्ते पर ला सकती है, शैतान से इंसान बना सकती है, केयर नहीं कर सकती है। वो पत्थर दिल है जेठानी जी, इतना बड़ा पत्थर दिल कि जिससे शैतान भी डर के भाग जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए औरतों का विद्रोह जरूरी है, उन्हें कानून के हवाले करना बहुत जरूरी है। अगर तूने ऐसा ना किया ना, तो घरेलू हिंसा का ये चक्र ऐसा ही चलता रहेगा, ना थमेगा कभी। थारी तरह औरतें मरती रहेंगी, हारती रहेंगी, कमजोर पड़ती रहेंगी। शारदा, अपने भीतर की नारी शक्ति को पहचान, और एक बात हमेशा याद रखना, औरत जो है केवल अबला ना होवे है, वक्त आने पर दुर्गा भी बन सके।
बड़े पापा। ध्यान रखना अपना बेटियां। बड़े पापा मने भी घर लेके चलो ना, मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। जानता हूँ बेटा, पर संभव ना है अभी। अगर संभव होता तो बड़े पापा से बोलने की जरूरत पड़ती थी ना। बड़े पापा मैं भी जाना चाहती हूँ आपके साथ। अरे ये घर भी तो तेरा, ये देख राघवन जी, शालिनी जी, ये भी तेरे माता पिता की तरह हैं। हिम्मत रख कोमल, इस घर को भी अपना ही समझ। यहाँ तुझे कभी पराया-पना महसूस नहीं होगा। जानती हूँ सरोजनी, इन सब के प्यार ने ही तो मुझे फिर से जीना सिखा दिया है। बेटा तुझे इतनी जल्दी घर जाने की क्यों पड़ी? अभी तो तेरा इलाज होना, ट्रीटमेंट बाकी है तेरा। पापा, कोमल तो यहाँ आराम से रह जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ वापस चलना चाहती हूँ। नहीं बेटा, तेरा तो अभी रिजल्ट बाकी है। पापा, रिजल्ट तो हम वहां भी पता कर लेंगे ना। पर इसका ध्यान, शी नीड्स यू बेटा। ठीक है शालिनी जी, राघवन जी, आप दोनों का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। आपने जो कोमल को प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं जिंदगी भर आप लोगों का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं भाई साहब, ऋण तो एहसान का चुकाया जाता है। हमने तो कोमल को अपनी बेटी समझ के अपना फर्ज निभाया है। हाँ, अगर फर्ज निभाते वक्त हमसे कोई गलती हुई है तो प्लीज माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं आप शालिनी जी? आपने जो किया है ना, शायद मैं भी नहीं कर पाता इसके लिए। अरे भाई, अब यह शर्मिंदा होने का और यह क्षमा मांगने का, यह रस्म को बंद करो, खत्म करो, एंड करो। एक ही फैमिली के मेंबर हैं हम, है ना सुशील जी? हाँ बिल्कुल, जब से सरोजनी हमारे घर की बहू बनी है, हम दोनों परिवार तो एक हो ही गए। देखिए सुशील जी, जिस दिन से आपने सरोजनी को अपना बहू बनाकर अपने घर लेके गया, उस दिन से हमारा घर में बेटी का कमी हो गया। लेकिन नो प्रॉब्लम, जब से कोमल आपका बेटे हमारे घर में आया ना, बेटी का कमी पूरा हो गया। बस यह समझ रहे सुशील जी, जिस तरह आपने हमारा बेटे सरोजनी को अपना घर लेके गए, उसी तरह कोमल को हम अपने घर ले आए। देखे ना, बोलो मैं। हाँ ना, हाँ 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 बोल रहे, हाँ बोले। जैसे कि मेरा सरोजनी आपके घर में खुश है और मैं बेफिक्र हूं, नो टेंशन, वैसे ही कोमल हमारे घर में है तो आपको भी नो टेंशन होना चाहिए। बेफिक्र नहीं होता राघवन जी, तो अपने जिगर के टुकड़े को आपके यहां क्यों रखता? बेफिक्र हूं, मैंने पता है हमारी बेटी सही जगह पर। अच्छा राघवन जी, चलता हूं। बड़े पापा, मैं आपसे एक परमिशन लेना चाहती हूँ। किस बात की परमिशन? बड़े पापा, मैं विक्रम के घर जाना चाहती हूँ।
बेटा? बड़े पापा, मैं सुभाषिनी आंटी से मिलना चाहती हूँ। उनका बेटा उन्होंने खो दिया है और उसकी वजह मैं हूँ। मारी वजह से विक्रम की मौत हुई। बड़े पापा, मैं दिन रात इस गिल्ट में रहती हूँ। मैंने उनके पास जाके बस एक बार माफी मांगनी है। प्लीज बड़े पापा, ना नहीं कहना। अंकल, अंकल कोमल का उनसे मिलना जरूरी है। इससे कोमल का मन भी हल्का हो जाएगा और सुभाषिनी आंटी को भी तसल्ली मिल जाएगी। अंकल, अंकल प्लीज कोमल को जाने दीजिए। ठीक है बेटा, अगर तू जाना चाहती है ना, जा। पर एक शर्त है, कन्हैया मैं अकेले ना जाने दूंगा। तेरे साथ सचिन जाए। बेटा तू इसके साथ जाना, क्योंकि तू साथ होता है ना तो मने तसल्ली होती। मने थारे पे पूरा भरोसा है। तू सच्चा दोस्त है कोमल का, इसका ध्यान रखना। अपना हाथ कोमल। अरे हाथ में देख के जा रहा हूं अपनी छोरी का हाथ, संभालना है बेटा। कोमल तुम टेंशन मत लो, मैं नीलम आंटी को फोन करके उनका पता पूछता हूँ। हेलो। हेलो प्राणनाथ अंकल, मैं सचिन बोल रहा हूँ। अंकल वो नीलम आंटी से बात करनी थी। हाँ अभी वो खाना खा रही है, मैं करवाता हूँ। अच्छा ठीक है अंकल, याद से करवा दीजिएगा। बिल्कुल। ओके नमस्ते, बाय। नमस्ते। नीलम आंटी खाना खा रही है, फोन करेंगी वो। कोमल तुम टेंशन मत लो। हेलो। हेलो नमस्ते आंटी। सचिन कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी।
हाँ आंटी, एक्चुअली मुझे विक्रम सर की मॉम सुभाषिनी जी का एड्रेस चाहिए था। आंटी आप तो जानती हैं कि उनके साथ कितना बुरा हुआ है, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। आंटी विक्रम सर उनके इकलौते बेटे थे, और ऐसे में उन पर क्या बीतती होगी ये तो आप समझ सकती हैं। तो बस मैं और कोमल सोच रहे थे कि हम एक बार उनसे मिल के आते हैं, हम उन्हें अपनी सिंपथीज देना चाहते हैं। देखो सचिन, वैसे तो मैंने मन बना रखा था कि उनका पता मैं किसी को ना दूंगी, लेकिन तुम्हारी बातों ने ना तुम्हारे को मजबूर कर दिया है। मैं पता दे देती हूँ, लेकिन तुमको ना हमारे से एक वादा करना होगा कि ये बात तुम किसी को ना बताओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर ये खबर घूमते घूमते विजय तक पहुंच गई तो क्या होगा। आंटी मैं वादा करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी सावधानी बरतूंगा। ओके, थैंक यू आंटी, बाय बाय। कोमल, सुभाषिनी जी तो दिल्ली में ही है। कोमल यहां पर तो ताला लगा हुआ है। सचिन एड्रेस तो यही था ना? हाँ, नीलम आंटी ने जो मुझे पता दिया था वो तो यही था। एक बार तुम फिर से चेक कर लो ना। कोमल यही पता है। फिर ताला कैसे लग सकता है? पता नहीं, हो सकता है कहीं बाहर गई हो, वैसे भी अकेले इंसान को तो 100 काम होते हैं। अब भाड़े के टट्टू हो, अपनी अहमियत तो दिखाओगे ना? बड़ी मालकिन, वो तो विजय साहब की वजह से हम छुपे हैं, वरना के मार दोगे जैसे विक्रम को मारा था आपने? बड़ी मालकिन, बाबू